नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दक्षा प्रिया। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिलक्यारा सुरंग की साइट पर पहुंची पीएमओ की टीम। बिहार में 75% आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट में चुनौती, महागठबंधन की मुहिम को बड़ा झटका। जेडीयू में टूट बयान पर बरसे ललन सिंह, कहा नित्यानंद राय हवा हवाई नेता। प्रशांत किशोर की जन सुराज अभियान से जुड़ी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। झारखंड में नक्सलियों के अड्डों पर कोबरा और जगुआर कमांडो का धावा। अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सोमवार यानी 27 नवंबर को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु और अन्य कई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बात की जानकारी उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खैरवाल ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के महबूबाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने अपने भाषण में सूबे के केसीआर सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोगों के चंद्रशेखर राव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। सोमवार को रिहा होने वाले इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की सूची पर इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने चिंता जताई है। बता दें, संघर्ष विराम के पिछले 3 दिनों में इजरायल ने फिलिस्तीनी महिलाओं और किशोरों के नाम जारी किए हैं, जिन्हें वह जेल से रिहा करेगा। वहीं हमास इजरायली नागरिक बंधकों के नाम पेश करेगा, जिसे वह रिहाई से कम 12 घंटे पहले रिहा करेगा। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बिहार में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और बताया है कि आरक्षण में जो नियम है वो तर्कसंगत नहीं है। 50% से 75% आरक्षण लागू करना वाजिब नहीं है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस मामले में लिस्टिंग करने से पहले महाधिवक्ता कार्यालय को याचिका की प्रति भेजी गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने जेडीयू में टूट के दावे वाले बयान को लेकर बीजेपी नेता पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने नित्यानंद राय को हवा हवाई नेता बताया है, कहा है कि कुछ बोलते रहते हैं ताकि मीडिया में चर्चा में रहें। प्रशांत किशोर की जन सुराज अभियान से भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जुड़ गई। अक्षरा सिंह ने बताया कि वो किस पार्टी से नहीं बल्कि एक अभियान से जुड़ रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि पटना की लोकसभा की दोनों सीटों में से किसी एक पर वह चुनाव भी लड़ सकती हैं। इस बीच आरा से चुनाव लड़ने की अटकलों को अक्षरा ने महज अफवाह बताया है। पशुपालन करने वाले बिहार के किसानों के लिए नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। गर्मी के दिनों में दूध का उत्पादन घटने के बावजूद पशुपालकों को घाटा नहीं होगा। दूध उत्पादन घटने पर होने वाले घाटे की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए सरकार ने उन्हें सब्सिडी देने की योजना बनाई है। किसानों को इसका उचित लाभ मिले, इसके लिए प्रति लीटर रेट भी तय कर लिया गया है। गया में फैली रहस्यमय बीमारी की पड़ताल करने WHO की टीम गया आने वाली है। दरअसल गया में रहस्यमय बीमारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पटवा टोली इलाके में इस रहस्यमय बीमारी से 377 लोग पीड़ित हो चुके हैं। स्थानीय डॉक्टरों की एक टीम पीड़ितों के इलाज में जुटी है, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि इस बीमारी के लक्षण चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं। साथ ही लोगों को बुखार आता है और जोड़ों में दर्द रहता है। बिहार में स्कूल से गायब रहने वाले टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने 24 टीचरों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि 43 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी शिक्षक 2 साल से लेकर 6 महीने तक स्कूलों से गायब चल रहे थे। इतना ही नहीं, विभाग की ओर से 51 और शिक्षकों की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है।
आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सुबह सुबह गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने आज गंगा में डुबकी लगाई, साथ ही मंदिरों में भी पूजा करने वाले की खूब भीड़ दिखी। माना जाता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने और फिर दान करने से जीवन के पाप कर्म धुल जाते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र में चार सहेलियों ने जहर खा लिया। इसमें मगध मेडिकल कॉलेज गया में इलाज के दौरान मौत हो गई। जहर खाने वाली में दो सगी बहनें लकी और रिया है, जबकि लकी और नंदनी की मौत हो गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के बाद से पूरे बाजार में मातमी सन्नाटा पसर गया है। वहां के लोग भी इस बात को लेकर काफी शोकाकुल हैं और यह जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर चारों सहेलियों ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सीआरपीएफ कोबरा और जागुआर कमांडो ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कमांडोज ने नक्सलियों के तीन बंकरों पर धावा बोल उन्हें तबाह कर दिया। इन्हीं में से एक ठिकाने में सुरक्षा बलों को आईईडी भी मिला, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 20 दिन में 7 हाथियों की मौत हो गई। इन हाथियों की मौत के बाद केंद्र की मोदी सरकार गंभीर हो गई है। हाथियों की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक टीम झारखंड भेज दी है। टीम हाथियों की मौत की वजहों के साथ साथ यह भी पता लगाएगी कि इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है और आगे इस तरह की घटनाएं कैसे रोकी जा सकती है। अब खबर खेल जगत की। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं। मुंबई ने आईपीएल 2024 के लिए पांड्या को टीम में शामिल कर लिया है। हार्दिक इससे पहले गुजरात टाइटंस के साथ थे। वे बतौर कप्तान टीम को चैंपियन बना चुके हैं, लेकिन अब मुंबई में वापसी हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम की जर्सी पहनकर फोटो शेयर की। अब खबरें मनोरंजन जगत की। इस 1 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर साल 2023 की दो बड़ी फिल्मों के बीच भिड़ंत होने जा रही है। दरअसल रणबीर कपूर स्टारर एनिमल और विकी कौशल की साम बहादुर इस शुक्रवार 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में पहुंच रही है। दोनों ही फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और रिलीज से पहले दोनों का काफी बज भी देखा जा रहा है। अब बात मौसम के मिजाज की। नवंबर का महीना अब जाने को है, लेकिन बिहार में मौसम का मिजाज कुछ अजब ही बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से ठंड ने असर दिखाया है। रात और सुबह में तापमान में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। इस बीच पटना समेत कई इलाकों में तड़के सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते हवाई यातायात पर असर नजर आ रहा है। कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते पटना एयरपोर्ट पर सुबह के समय फ्लाइट की लैंडिंग प्रभावित हो रही है। पटना मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिन अभी ऐसा ही मौसम रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार हैं। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर।